थोड़ा पास में आ जाओ। वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण, सुने आछि साधु गुरु मुखे। वैष्णवों का गुणगान करने से, वैष्णवों के महिमा को श्रवण करने से, बल्कि जीवों का ये संसार से उद्धार हो जाता है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पे छे केवा। वैष्णव सेवा किस प्रकार से होता है, हम लोगों ने एक दिन श्रवण किया था। वैष्णवों के मुख से भगवान के यश कीर्तन को श्रवण करना, वैष्णवों के गुणगान को श्रवण करना, वैष्णवों के गुणगान को कीर्तन करना ही वैष्णव सेवा ही है। और बोलते इस प्रकार वैष्णवों के गुणगान करने से जीवों का उद्धार होता है। सुनिया छी साधु गुरु मुखे, साधु गुरुजन ऐसा कहते हैं, उनके इस मुख से हमने श्रवण किया है। क्योंकि वैष्णवों का स्मरण ही हमारा निधि है, हमारा रत्न है। जिस समय वैष्णवों के स्मरण से, वैष्णव गुणगात श्रवण करने से हम लोग विच्युत हो जाते हैं, उसी समय बड़ा भारी विपत्ति आकर के हमारे सिर पे बैठ जाता है। इसलिए कहते हैं कि वैष्णवों के स्मरण करना ही हमारा परम श्रेय है, परम मंगल है, निधि स्वरूप है। और वैष्णवों का विस्मरण ही हमारा विपत्ति है। इसलिए वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी ने, जैसे उनको पता चला कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत पारंगत है, निपुण है, तब उन्होंने कृपापूर्वक श्री प्रभुपाद को श्री नवदीप पंजिका प्रकाश करने के लिए निर्देश दिया था। और नवदीप पंजिका प्रकाश करने के निर्देश का मूल उद्देश्य क्या था उनका, कि उस पंजिका में वैष्णवों के आविर्भाव और तिरुभाव तिथि जब जब उपस्थित होता है, बल्कि उन वैष्णवों के आविर्भाव और तिरुभाव तिथि के विषय में उस पंजिका में लिखना है। क्योंकि जब जब वैष्णवों के आविर्भाव या तिरुभाव तिथि उपस्थित होता है, तो समस्त वैष्णव जन, वैष्णव समाज क्या करते हैं, उन वैष्णव के महिमा कीर्तन को श्रवण करते हैं। इसलिए जिस प्रकार से समस्त वैष्णवों को, वैष्णवों के चरित्र को आविर्भाव तिथि तिथि में विशेष रूप से श्रवण करने को मिलेगा, इसलिए श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने श्री प्रभुपाद जी को निर्देश दिया कि तुम नवदी पंजिका बनाओ और उसमें समस्त वैष्णवों के आविर्भाव और तिरुभाव के विषय में व्यक्त करो। आज इसी क्रम में श्रील प्रभुपाद जी के परम प्रिय पार्षद श्रील भक्ति आलोक परमहंस गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाव है ना, आविर्भाव, आविर्भाव तिथि पूजा महास।
संन्यास ग्रहण करने से पहले श्रील परमहंस महाराज जी, उनका नाम था श्री ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी। संन्यास से पहले श्री महानंद ब्रह्मचारी थे। तो श्रील प्रभुपाद जी के प्रकट काल में ये महानंद ब्रह्मचारी जी का मुख्य सेवा किया था कि कृष्ण नगर में जो भागवत प्रेस था, उस भागवत प्रेस के मैनेजर के रूप में, प्रबंधक के रूप में इनका मुख्य सेवा था। और वही भागवत प्रेस से श्रील प्रभुपाद जी के श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का मुद्रण होता था। वास्तव में उनको ये मैनेजर का जो पदवी है ये प्राप्त हुआ था। यद्यपि मैनेजर होना ये वैष्णव समाज में, भक्तों के समाज में, भक्तों के लिए ये एक उपयुक्त शब्द नहीं है, क्योंकि वैष्णव जन हमेशा अपने आप को वैष्णवों का सेवक ही समझते हैं। जिस समय हमारे मन में ये दुर्भावना आएगा कि नहीं, मैं मठ इंचार्ज हूँ, मैं मठ प्रबंधक हूँ, मैं मठ का महंत हूँ और मैं यहाँ का मालिक हूँ और बाकी जितने हैं सब मेरे सेवक हैं, बोलते वैष्णव जन इस प्रकार के दुर्भावना लेकर के कभी रहते ही नहीं है। हमेशा वैष्णव जन, चाहे कितने भी वैष्णव समाज में पद पदवी का कोई मूल्य ही नहीं है, इसलिए वैष्णव जन हमेशा अपने आप को वैष्णवों के सेवक के रूप में ही समझते हैं। लेकिन श्री महानंद ब्रह्मचारी श्री भक्त्यालोक परमहंस महाराज, उनका सेवा कुछ ऐसा था कि वे सब सेवाएं एक मैनेजर के भांति ही करते थे। जैसे घर का जो मुखिया होता है, वो घर में क्या वस्तु चाहिए, क्या वस्तु नहीं चाहिए, किस प्रकार के व्यवस्था करने से सब ठीक होगा, क्या करने से अच्छा नहीं होगा, वो सारी सेवा ये महानंद ब्रह्मचारी जी के ऊपर में ही था। और विशेष रूप से भागवत प्रेस का जो संपूर्ण सेवा का दायित्व इनके ऊपर ही था। तो वहाँ कृष्णनगर में श्रील प्रभुपाद जी के श्रीमद् भागवतम का प्रकाश तो होता था, साथ में अन्य भी ग्रंथों का वहाँ पर प्रकाशन होता था, मुद्रण होता था। तो श्री महानंद ब्रह्मचारी जी जितने भी ग्रंथ का वहाँ मुद्रण होता था, समस्त कार्यों को सुचारू रूप से, संपूर्ण सुव्यवस्थित रूप से करते थे। तो वहाँ पर भागवत प्रेस में, कृष्णनगर में ग्रंथों के प्रकाशन के सेवा के लिए श्री महानंद ब्रह्मचारी ने दो लोगों को नियुक्त किया था, एक तो स्टेनोग्राफर और एक टाइपिंग करने टाइपिस्ट, ये दोनों को वहाँ पर श्री महानंद ब्रह्मचारी ने नियुक्त किया था। एक बार क्या हुआ, नदिया के राजा अपने कुछ राज कार्य संबंधित, प्रशासनिक कार्य संबंधी कुछ प्रकाशन करना था और प्रकाशन करने का उद्देश्य लेकर के राजा ने अपने कर्मचारी को यहाँ भेजा, क्योंकि राजा के पास कोई कुशल स्टेनोग्राफर भी नहीं था और ना ही कोई टाइपिस्ट था। इसलिए राजा ने भागवत प्रेस के कुशलता बारे में श्रवण करके उन्होंने अपने कर्मचारी को भागवत प्रेस में श्री महानंद ब्रह्मचारी जी के पास भेजा। तो जिस प्रकार राजा का कुछ प्रकाशन करने का जो भी इच्छा था,
तो राजा के उस इच्छा के मुताबिक श्री महानंद ब्रह्मचारी ने भागवत प्रेस के जो स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट था उनको राजा के उस सेवा में लगा दिया। और विशेष रूप से राजा के द्वारा जो ग्रंथ, जो किताब का, जो व्यवस्था का, जो रूल रेगुलेशन का प्रकाशित होना था, उसको बड़े ही सुंदर रूप से, किसी प्रकार के वहाँ भूल नहीं रहते हुए, निर्भूल रूप से उन्होंने उस कार्य को वहाँ किया। तो राजा के पास में इतना उत्तम कोटि के मुद्रण का प्रस्तुति को देख करके, और ना केवल उत्तम कोटि का मुद्रण, बोलते कहीं पर भी किसी भी पेच में, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी अक्षर में कोई त्रुटि नहीं था। और उन्होंने जो पुस्तक का मुद्रण कराया था, इतना उच्च गुणवत्ता से वो मुद्रित हुआ था कि उस मुद्रण करने के शैली को देख करके राजा विशेष प्रभावित हुआ। और राजा ने यह निर्णय लिया कि भविष्यत में हमारे राज कार्य के लिए हो या हमारे इसी राज्य के प्रशासन के कार्य के लिए हो, जितना भी मुद्रण का कार्य होगा, पहले कलकत्ता में कराते थे, अब कलकत्ता में नहीं बेच करके एकमात्र भागवत प्रेस के सेवा का, सेवाओं का ही हम लोग उपयोग करेंगे। तो राजा जिस प्रेस का इतना महिमा बोलता है, उस प्रेस के विषय में, उस अंचल में, उस एरिया में विशेष प्रचार हुआ, तो उस भागवत प्रेस में भक्ति ग्रंथ प्रभुपा गोड़िया मठ के जितना भी प्रकाशन होता था वो तो होता ही था, साथ में अन्य कार्य भी, अन्य अन्य लोगों के कार्यों का भी वहाँ मुद्रण होता था। और ये सब कार्य कौन करते थे? भक्ति आलोक परमहंस गोस्वामी महाराज, अभी तो ब्रह्मचारी थे, श्री महानंद ब्रह्मचारी जी ने ये सब कार्य अति ही उत्तम रूप से करते थे। इतना ही नहीं, श्री महानंद ब्रह्मचारी जी ने ग्रंथ के कार्यों को संपादित तो करते ही थे, साथ में वे मठ के लिए भूमि भी संग्रह करते थे। जहाँ जहाँ प्रभुपाद जी का इच्छा होता था मठ बनाने का, तो उस मठ के लिए भूमि संग्रह करने के लिए श्री महानंद ब्रह्मचारी एक विशेष भूमिका निभाते थे, क्योंकि गोड़िया मठ के लिए, गोड़िया मठ के मैनेजिंग के लिए, व्यवस्था के लिए हो, जितने भी वस्तुओं की जरूरत पड़ता, जैसे कई वस्तु को खरीदना, खरीद करके उसको सेवा में लगाना, तो खरीदने का काम अगर कुछ पड़ता था तो सीधे सीधे महानंद ब्रह्मचारी को ही याद किया जाता था कि कोई वस्तु खरीदने में ये इतना निपुण थे, किनने में, इसलिए इनको मठ में सब लोग केना राम के नाम से पुकारने लग गए। केना मतलब किन, खरीदना, केना राम। हैं, हाँ, परचेस ऑफिसर के नाम से सब लोगों ने इनको केना राम के नाम से पुकारते थे। केना राम का मतलब है, उपाधि का ये है कि जो भक्त और भागवत की सेवा के लिए सब कुछ खरीदता है, जो कुछ भी खरीदता है भक्त और भागवत की सेवा के लिए लगाता है, स्वयं के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। एक बार क्या हुआ, इनका श्री महानंद ब्रह्मचारी जी का, परमहंस महाराज जी का एक सूक्ष्म संकेत भी विशाल सेवा के रूप में प्रकाशित होता था। अगर प्रभुपाद जी ने संकेत भी कर दिया इनको कि ये ऐसा करने से अच्छा होता, तो उसमें
किसी प्रकार का देरी नहीं करके उस प्रभुपाद के उस संकेत को वो परिपूर्ण करने में लग जाते थे। और वास्तव में इनमें ऐसा प्रतिभा था कि उस संकेत को पूर्ण करने में इनको कोई कठिनाई का सामना भी करना नहीं पड़ता था। हम लोग नवदी परिक्रमा में चंपकहट में जाते हैं, चापाहाटी है? तो उस चापाहाटी ग्रामवासी गण श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर विशेष श्रद्धायुक्त थे, ना ही केवल श्रद्धायुक्त थे, चापाहाटी चंपकहट के अनेक ग्रामवासी श्रील प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय भी किए थे। तो प्रभुपाद जी के प्रति विशेष श्रद्धायुक्त होने के कारण उन ग्रामवासियों ने वहां पर प्रभुपाद जी को एक जमीन दान करने के लिए सब लोगों ने इच्छा प्रकाश किया। और वही जमीन जहां जयदेव गोस्वामी जी का निवास स्थान था, जयदेव गोस्वामी जहां पर उनका निवास स्थान था, उसी जमीन को, उसी भूमिखंड को श्रील प्रभुपाद जी को देने के लिए इन्होंने इच्छा प्रकाश किया। इसलिए हम लोग परिक्रमा में जाते वहां पर, वहां श्री गौर गदाधर गौड़िया मठ है, बड़े सुंदर सुंदर विग्रह है, देखा ना। परिक्रमा के समय जो परिक्रमा पट्टी जाता है, आजकल तो बगल में जो खाली जगह था वहाँ स्टेज जैसा लगा देते हैं, सब मठों के परिक्रमा पाटी वहाँ बैठ के वहाँ के महिमा का कीर्तन करते हैं। तो उस गांव के प्रति, उस गांव के बासिंदाओं के प्रति श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में एक अपनापन था। इसलिए उस गांव में एक व्यक्ति था, बड़े ही सम्मानित व्यक्ति था, और उस व्यक्ति के दो कन्या थी, लेकिन दुर्भाग्यवशतः दोनों ही विधवा हो गई। अभी ससुराल वाले क्या बोलते हैं, विधवा होने के बाद तो पिता के संपत्ति के ऊपर तो पुत्र का अधिकार रहता है, लेकिन अभी दोनों पुत्र ही चल बसे तो दोनों बहुओं को वहां किसी प्रकार के कोई संपत्ति नहीं देने के लिए उन दोनों कन्याओं के ससुराल वालों ने घोषणा कर दिया कि हमारे पुत्र ही नहीं है तो हम अपने बहुओं को संपत्ति का अधिकार क्यों देंगे। वास्तविक में अधिकार तो होता है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अभी गांव में चर्चा का विषय बन गया है, अभी दोनों स्त्रियां किस प्रकार से अपने जीवन निर्वाह करेंगे। जब श्रील प्रभुपाद जी इन दोनों स्त्रियों के विषय, दुर्दशा के विषय में श्रवण किया, जब उनको पता चला कि उस गांव में ऐसा हो गया और उस सम्मानित व्यक्ति जिसके कहने पर सब गांव के लोग एकत्रित होकर के गौड़िया मठ के सभा में नियोजित होते थे, उसके घर में ऐसा हो गया, तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि अब ये दोनों कन्याएं, दोनों स्त्रियां अपने जीवन निर्वाह कैसे करेंगी। तो श्री महानंद ब्रह्मचारी श्रील भक्ति आलोक परमहंस महाराज, प्रभुपाद जी का तो केवल एक छोटा सा संकेत था कि वो लोग कैसे अपने जीवन धारण करेंगे, तो श्री महानंद ब्रह्मचारी जी ने अपने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद के एक साधारण जिज्ञासा रूपी इन शब्दों को आदेश के रूप में मान लिया। प्रभुपाद जी ने यद्यपि आदेश नहीं दिया, प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा चिंता व्यक्त किया कि अब कैसे वो बेचारे अपना जीवन निर्वाह करेंगे, उनका कोई अधिकार ही सब छीन लिया गया उनके ससुराल वालों की तरफ से। प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा चिंता व्यक्त किया, संकेत किया बस। तो प्रभुपाद जी के उसको आदेश मान करके श्री महानंद ब्रह्मचारी ने किया, क्या वहाँ रानाघाट के जो न्यायालय है, स्थानीय न्यायालय में उन्होंने उन स्त्रियों के विरुद्ध, स्त्रियों के इस प्रकार के दुर्दशा हो रहे सोच करके उन्होंने उनके ससुराल वालों के विरुद्ध में एक मुकदमा दाखिल कर दिया। और अंततः अंतिम में यही हुआ
कि मुकदमा में ये लोग जीत गए और उनको उनके अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता था ऐसा। और उपाध जी ने बोलने का मतलब ये है, प्रभुपाद जी केवल थोड़ा सा चिंता व्यक्त किए तो साथ साथ उन्हें उनकी सुव्यवस्था कर दिया। तो ऐसा बुद्धिमत्ता पूर्वक सेवा में श्री महानंद ब्रह्मचारी जी अपने आप को लगा के रखते थे। एक बार क्या हुआ, श्री प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था निशिकांत सान्याल। अरे निशिकांत सान्याल कटक में, ओडिशा में जो कटक है, कटक के रेवेंसा कॉलेज के ये एक प्राध्यापक थे, एक लेक्चरर थे, प्रधान अध्यापक थे, प्रिंसिपल थे। तो उनका पूरा परिवार था, उनका स्त्री था, उनके पुत्र थे, उनके कन्याएं थी, सब कुछ थे। लेकिन अपने संपूर्ण परिवार होते हुए भी उनको उस नौकरी से जितना भी मासिक वेतन मिलता था वे पूरे के पूरे वेतन को ला करके श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित कर देते थे। जबकि श्रील प्रभुपाद ने उनसे कहा था कि देखो तुम अगर इस प्रकार अपना सब कुछ वेतन यहाँ मुझे प्रदान करते रहोगे तो तुम्हारे भी तो परिवार है, तुम्हारे परिवार का फिर निर्वाह कैसे होगा, तो अपने परिवार के भोषण पोषण के लिए कुछ तो आप बचा के रखो, आप तो त्यागी नहीं हो, आप जितने कमाते हो जितना भी आपको वेतन मिलता है सब ला करके आप यहाँ दे देते हो, कुछ बचा कर रखने से अपने परिवार के लिए अच्छा होगा। तो श्री निशिकांत सान्याल अपने परिवार के प्रति कोई भी ऐसी चेष्टा नहीं था कि उनका मैं कुछ भरण पोषण करूं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार ये महानंद ब्रह्मचारी को बुला करके कहा कि देखो ये प्रोफेसर साहब हैं, जब से हमसे दीक्षा ग्रहण किए तभी से इनको जितना भी वेतन मिलता है सब हमको दे देते हैं, अपने परिवार के लिए वे कुछ भी नहीं रखते हैं, इसलिए उनके परिवार का देखरेख करना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व बन जाता है। प्रभुपाद जी ऐसे उस महानंद ब्रह्मचारी जी से कहते हैं और प्रभुपाद जी ऐसे इच्छा प्रकाश करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप उनके परिवार के निर्वाह के लिए अब संपूर्ण व्यवस्था को, संपूर्ण प्रबंध को कर दिया जाए, ऐसा प्रभुपाद जी ने महानंद ब्रह्मचारी को निर्देश दिया। अभी प्रभुपाद जी का निर्देश प्राप्त करते ही श्री महानंद ब्रह्मचारी बोलते कई वर्षों तक, एक दो वर्ष ने कई वर्षों तक वो जो निशिकांत सान्याल उनके परिवार के समस्त आवश्यकता को पूर्ति करने का सुव्यवस्था कर दिया। उन्हें उस परिवार में जिस किसी वस्तु की भी आवश्यकता होती थी, जैसे उनके बच्चों के शिक्षा के लिए हो और उनके संतानों के विवाह के लिए हो, जो कुछ भी एक परिवार के लिए लगता है वो सब कुछ व्यवस्था महानंद ब्रह्मचारी जी ने प्रभुपाद जी के इच्छा के अनुसार कर दिया। अभी सोचने वाली बात ये है कि बाह्य दृष्टि से देखने में ऐसा लगता है कि एक त्यागी साधु के लिए इस प्रकार का किसी गृहस्थी के घर में जाकर गृहस्थी के घर चलाने का व्यवस्था करना देखने में असंगत लगता है ना? एक गृहस्थ परिवार में क्या क्या आवश्यकता है,
क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके गृहस्थी में व्यवस्था अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसको देखना एक त्यागी व्यक्ति के लिए कर्तव्य नहीं है। क्योंकि त्यागी का तो हमेशा हरि गुरु वैष्णवों के सेवा में ही नियुक्त रहते हैं, हरि गुरु वैष्णवों के सेवा में ही अपने आप को हमेशा नियुक्त करते हैं, यहाँ करना चाहिए। तो बाहरी दृष्टि से देखने में थोड़ा सा एक असंगत सा लगता है, फिर भी ऐसी परिस्थिति में दो विचार है। पहला विचार ये है कि श्रील प्रभुपाद जी की ओर से उस परिवार को देख रेख करने का प्रत्यक्ष आदेश था, इसलिए गुरु के आदेश को पालन करना शिष्य का परम कर्तव्य है। गुरु के आदेश को पालन करने में शिष्य का कोई दोष नहीं होता। ऐसे कि गुरु अगर एकादशी के दिन में शिष्य को अन्न ग्रहण करने के लिए बोले तो शिष्य निसंकोच गुरु के उस आदेश को पालन करेगा। यहां तक तो अपने गुरु श्रील प्रभुपाद जी के उस प्रत्यक्ष आदेश को शिरोधार्य करके श्री परमहंस महाराज जी ने उस परिवार का सबको व्यवस्था कर दिया। और दूसरी बात यह है कि श्री भानंद ब्रह्मचारी जी ने ये जो सब व्यवस्था किया उस परिवार का, बल्कि बड़े बुद्धिमत्ता पूर्वक सब कार्य किया, ऐसा व्यवस्था किया कि उस परिवार के शिक्षा के लिए दीक्षा के लिए या विवाह आदि के लिए या उनके परिवार के चलाने के लिए, बोलते उसमें वे ऐसा व्यवस्था किया कि उनको किसी भी व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर सम्मिलित होना, वहाँ पर जाना, उनके परिवार के लोगों से मिलना या कुछ खरीद करके लेकर के जाना, उनको कभी भी आवश्यकता ही नहीं पड़ा, बल्कि सब सेवाओं के दायित्व उन्होंने अन्य अन्य लोगों को इस प्रकार से विभाजित कर दिया था कि एक बार भी उस परिवार को देखने के लिए उनको जाना नहीं पड़ा ऐसा। लेकिन परिवार का व्यवस्था सब कुछ हो रहा है। तो वहां पर श्रील प्रभुपाद जी के अप्रकट होने के बाद कुछ समय बाद श्री महानंद ब्रह्मचारी जी ने मायापुर में गंगा घाट से थोड़ी सी पहले ही, जहाँ पर क्षेत्रपाल शिव जी का मंदिर है देखा, तो क्षेत्रपाल शिव जी के मंदिर के बगल में ही उन्होंने एक मठ बनाने का इच्छा लेकर के कुछ जगह का कुछ भूमि का संग्रह किया। लेकिन जिस जगह को उन्होंने संग्रह किया था, थोड़ी ही दिन में उस जगह को खाली देख करके बांग्लादेश के बांग्लादेशवासियों ने बांग्लादेशी लोगों ने उसको कब्जा कर लिया। और करते करते जितना जमीन उन्होंने संग्रह किया था सारी जमीन को उन बांग्लादेशियों ने कब्जा कर लिया। अभी क्या करें? तो हमारे शिक्षा गुरु पाद पद्म श्रील भारती गोस्वामी महाराज बताते थे कि श्रील महाराज जी ने हमको उस बारे में सूचित किया। तो श्रील भारती महाराज जी बता रहे हैं कि हमने वहाँ ऐसा व्यवस्था किया कि एक एक करके जितना लोग वहाँ कब्जा किया था सबको वहाँ से भगा दिया ऐसा। बोलते हैं बाद में श्री महानंद ब्रह्मचारी जी के गुरु भाई श्रील
भक्ति सौरभ भक्तिसार गोस्वामी महाराज जी मायापुर में आए और मायापुर में वे भी कुछ एक स्थान ले करके कुछ मंदिर जैसा या मठ जैसा बनाने का इच्छा प्रकाश किया। किसके सामने? श्री महानंद ब्रह्मचारी जी के सामने। तो महानंद ब्रह्मचारी प्रभु ने जितने जगह वहाँ संग्रह किया था उसका आधा जगह अपने गुरु भाई को ऐसे ही दे दिया। ऐसा कितने महान थे भक्तिया लोग परमहंस महाराज जी। बोलते हैं श्रील प्रभुपाद जी के एक आश्रित शिष्य थे जिनका नाम था भक्ति स्वरूप पर्वत गोस्वामी महाराज। आप लोगों ने नाम सुना होगा भक्ति स्वरूप पर्वत गोस्वामी महाराज। तो उन्होंने ओडिशा में खिलचोरा गोपीनाथ के पास में उदला नाम के एक स्थान है वहाँ पर एक गौड़िया मठ बनाया था जिसका नाम है बारस भानवी दैत गौड़िया मठ। उस मठ का उन्होंने वहाँ पर स्थापना किया था। तो परमपूज्य पाशील भक्ति स्वरूप पर्वत गोस्वामी महाराज के अप्रकट होने के बाद सब भक्त लोग चाहते थे कि वो उदला का मठ हमारे परम गुरु जी को श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी को मिले और वे भी चैतन्य गौड़िया मठ का एक शाखा के रूप में परिचित हो, ऐसा वहाँ के सब भक्तों का इच्छा था। तो उस समय श्रील प्रभुपाद जी के सब शिष्यों ने ऐसा विचार विमर्श किया कि महानंद ब्रह्मचारी मतलब भक्त्यालोक परमहंस महाराज जी का अपना कोई स्थान नहीं है, इसलिए बारसभानवी गौड़िया मठ को उनको दे देने से अच्छा होता, दिया जाना चाहिए। और कहते हैं और उन्हें मतलब भक्ति रक्ष सिद्धर गोस्वामी महाराज जी से सन्यास भी ले लेना चाहिए, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने निर्देश किया या कुछ विचार किया। तो श्रील महाराज जी ने अपने गुरु भाइयों के इस प्रकार के विचार विमर्श को स्वीकार करके इनके प्रस्ताव को स्वीकार करके उन्होंने उस बारसभानवी गौड़िया मठ उदला के आचार्य के रूप में उस स्थान के सेवा को ग्रहण किया। कौन? श्रील भक्त्यालोक परमहंस महाराज जी ने। उनके सेवा की वृत्ति ऐसा था कि जब हमारे परम गुरु जी जगन्नाथपुरी में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के जन्म स्थान को आविर्भाव स्थली को संग्रह करने के लिए समस्त दायित्व लिया था, तब वहाँ पर बहुत से ऐसे सर्टिफिकेट होता है या कोर्ट का या कुछ भी ऐसे प्रमाण पत्र होता है उड़िया भाषा में होता था। तो उस समय उड़िया भक्त उस उदला मठ में एक महाराज थे जिनका नाम था भक्ति सुंदर सागर महाराज। दर्शन किया हमारे गुरुजी के साथ खूब प्रचार पार्टी में उन्होंने। तो वे ओडिया में पारंगत थे और वे कहाँ रहते थे? बारसभानवी दैत गौड़िया मठ में रहते थे। तो श्रील परम गुरु जी ने श्रील परमहंस महाराज जी से पूछा, महाराज कि अगर आपको कोई असुविधा ना हो तो हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि आप सागर महाराज को कुछ समय के लिए हमारे साथ रहने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रभुपाद जी के उस आविर्भाव स्थली को ग्रहण करने में हमको उनकी थोड़ा सा सहजता चाहिए, क्योंकि ओडिया में बात करना होता था,
उड़िया में पत्रों को पढ़ना होता था, लिखना होता था, समझना होता था, हैं। उसके कारण श्रील परम गुरु जी ने, तो श्रील परमहंस महाराज क्या उत्तर देते हैं, बोलते महाराज मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि इतनी महत्वपूर्ण कार्य में मैं बाधा डालूं। बोलते मेरे स्वयं के लिए कितनी भी असुविधा हो जाए होने दो, वर्षभान भी गोड़िया मठ को देख रेख करने में चलाने में कितनी भी असुविधा हो जाए होने दो, लेकिन आप सागर महाराज को अपने साथ अवश्य ले जाइए, मैं अवश्य उसको आपके पास भेजूंगा। बल्कि श्रील प्रभुपाद के लिए कोई छोटी सी सेवा करना भी बहुत आनंद और बहुत सम्मान की बात है, और हमारे मठ का कोई सेवक प्रभुपाद जी के उस आविर्भाव स्थली को उद्धार करने में अगर उसका किंचित भी सेवा लगे, वो तो हमारे सबके अहोभाग्य है। तो श्रील परमहंस महाराज जी वास्तव में एक परम स्नेही और बड़े सरल स्वभाव के वैष्णव थे। श्रील भारती गोस्वामी महाराज बताते थे कि जब भी हम उनसे भेंट होता था, उनसे भेंट गुत करते थे, तो हम उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। यद्यपि श्रील भारती महाराज बता रहे हैं जी, यद्यपि हम उनके सामने उनके शिशु तुल्य है, उनके शिष्य तुल्य है, फिर भी वे सदैव हमको आलिंगन करते थे। मतलब उनका स्वभाव ऐसा था कि वे कभी किसी कितने भी कर किसी की वो भी अपने से छोटा नहीं समझते थे, किसी को कनिष्ठ नहीं समझते थे, सबको वैष्णव समझ करके, सबको भक्त समझ करके, सबको श्री गौरांग महाप्रभु जी के सेवक समझ करके सबको वे सम्मान करते थे। और विशेष रूप से इसलिए सम्मान करते थे कि ये सब मेरे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी के आचरित प्रचारित सिद्धांत को मानने के लिए आए हैं, अर्थात भक्ति मार्ग के पथ पर चल रहे हैं। इसलिए कितने भी नया भी क्यों ना हो, वो कभी किसी को कनिष्ठ नहीं समझते थे। नित्यलीला प्रविष्ट श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने श्रील भक्ति आलोक परमोहन गोस्वामी महाराज जी के विषय में ऐसा प्रकाश डाले हैं कि पूज्यपाद श्रील परमहंस महाराज जी ने 1893 में रविवार के दिन, बैसाख मास के आज के शुक्ला पक्ष प्रतिपदा के दिन में प्रकट हुए थे, उनका आविर्भाव हुआ था। कहते थे कि श्रील महाराज जी एक अत्यंत नाम परायण वैष्णव थे। एक वैष्णव का जितना भी वैष्णवोचित सद्गुण होता था, बोलते वे समस्त सद्गुण के श्रील परमहंस महाराज जी भंडार थे। वास्तव में सभी वैष्णव भुवन पावन होते हैं, सभी वैष्णव इस धरती के, इस पृथ्वी के महातुल्य रत्न स्वरूप है। कहते हैं ना, तहां बिना रत्न सुन्या हैला मेदिनी। बोलते हैं वैष्णवों के अभाव में मेदिनी, मेदिनी मतलब ये पृथ्वी रत्नों से शून्य हो गया है। और वास्तव में आज अनुभव हो रहा है, पतित पावन परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव
जब इस धरातल को छोड़ करके वे अपने नित्य सेवा में नित्य धाम में प्रवेश किए, तभी से मानो ऐसा लग रहा है कि ये पृथ्वी सुना हो गया है। नहीं लगता इसे? अंदर से ऐसा अनुभव हुआ, तभी से होता है, अभी भी हो रहा है। इसलिए वैष्णव विहीन पृथ्वी बोलते हैं वे विपत्तियों का भंडार है, और भी वैष्णव सहज सहित पृथ्वी वे रत्नों का भंडार है। परम आराध्य श्रील प्रभुपाद जी ने अपने चरणाश्रित श्रील महाराज जी के पूर्वाश्रम का जो नाम था महेंद्रनाद था, वो महेंद्रनाद के नाम के अनुसार इनका नाम श्री महानंद ब्रह्मचारी रखा था। कुछ समय बाद प्रभुपाद जी ने इनको एक उपाधि प्रदान किया था। क्या उपाधि? भक्त्यालोक उपाधि। कि भक्ति की आभा से ये दिदीप्यमान है। भक्त्यालोक का मतलब है कि भक्ति की आभा से दिदीप्यमान। तो ऐसा भक्ति सूचक उपाधि श्रील प्रभुपाद जी ने इनको प्रदान किया था। तो श्रील प्रभुपाद जी के अप्रकट के पश्चात अपनी गुरु भ्राता श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर दिव्य गोस्वामी महाराज जी से इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था, और संन्यास के उपरांत इनका नाम हुआ था त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्त्यालोक परमहंस महाराज। प्रभुपाद जी ने जिस उपाधि दिया था उसी उपाधि से संश्लिष्ट श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज ने इनको संन्यास का नाम भी दिया। जैसे अभी हम लोगों ने श्रवण किया था, इसलिए परम आराध्य श्री प्रभुपाद जी ने पूज्यपाद महाराज जी को बोलते ब्रह्मचारी अवस्था में ही कृष्णनगर में स्थित उस भागवत प्रेस में, और विशेष रूप से श्री धाम मायापुर में श्री चैतन्य मठ के प्रबोधन प्रबंधन करने का भार इनको सौंपा था, प्रदान किया था। तो श्रील महाराज जी ने श्रील प्रभुपाद जी के प्रदान किया गया उन समस्त सेवाओं को विशेष निष्ठापूर्वक कृतित्व के साथ संपादन करते थे, और श्रील प्रभुपाद जी को उन्होंने प्रचुर आनंद प्रदान आनंद विधान किया था। और उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी भी इनके प्रति विशेष कृपा प्रदान किए थे। प्रभुपाद जी का प्रचुर कृपा का विभाजन हुए थे। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज कहते हैं कि श्रील भक्त्यालोक परमहंस महाराज के समान एक शुद्ध भजन पराजन का आदर्श प्रदर्शित करने वाला वैष्णव की प्रतिपूर्ति करना असंभव है, ऐसा श्रील महाराज जी थे। तो वहां पर जैसे अभी हम लोगों ने श्रवण किया था वार्षभानवी गौड़ीय मठ की प्रतिष्ठाता श्रील भक्ति स्वरूप पर्वत गोस्वामी महाराज जी के नित्य लीला में प्रवेश करने के पश्चात श्रील वैखानस परम पूज्यपाद श्रील भक्ति गौर वैखानस महाराज जी, परम पूज्यपाद श्रील भक्ति विचार जयदापुर गोस्वामी महाराज जी, पूज्यपाद भक्ति हमारे परम गुरु जी भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी, और ये ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी और वहाँ जितने भी श्रील भक्ति स्वरूप पर्वत गोस्वामी महाराज जी के सीता सतीर्थ भी थे और उनके अनुगत शिष्य गण भी थे, सब लोगों ने मिल करके श्रील महाराज जी को श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज संन्यास दिला करके वहाँ का आचार्य पद के रूप में अभिषिक्त किया। 1958 में श्री महानंद ब्रह्मचारी जी ने
श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से संन्यास ग्रहण किया था। उसके बाद उनका नाम हुआ था परमहंस महाराज जी, भक्ति आलोक परमहंस महाराज जी। बोलते हैं श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, हरी बोली चाय बैठो। श्री भक्ति परमपुरी गोस्वामी महाराज जी बड़े सुंदर बात बोलते थे कि श्री भक्ति आलोक परमहंस महाराज जी अपनी अप्रकट लीला से पहले उन्होंने बहुत बार जोर जोर से उच्च स्वर से श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की प्रतिष्ठाता हैं नित्य लीला प्रविष्ट परम पूजनीय श्री भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी और श्री माधव गोस्वामी महाराज जी के परम प्रिय शिष्य हमारे गुरु जी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी बोलते ही दोनों का नाम को जोर जोर से उच्चारण करते थे। भक्ति दैत माधव महाराज, श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज, ऐसे बार बार उच्चारण करते थे। कौन बोलता है? श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज बोल रहे हैं। बोलते हैं एक दो बार नहीं, कोई भी भक्त उनके अंतिम समय में उनसे प्रणाम करने जाते थे तो उन भक्तों के पास भी यही दो नामों का उच्चारण करते थे ऐसा। और बोलते हैं ये दोनों नाम युक्त जो व्यक्ति विशेष है श्रील परम गुरुदेव और श्रील गुरुदेव, उनके प्रति श्रील भक्त्यालोक परमहंस महाराज का अपने हृदय से एक प्रीति था। उस प्रीति के कारण उन्होंने दोनों गुरु चेला का नाम बार बार उच्चारण करते थे ऐसा। जो भी आज श्रील महाराज जी का आविर्भाव तिथि पूजा वहाँ महोत्सव है, उनके श्री चरण कमल में हम सब का भक्तिपूत श्रद्धापूत निष्ठायुक्त प्रणति है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी के प्रत्येक निर्देश को, चाहे वो सांकेतिक रूप से हो चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो, उन्होंने उसको पूर्ण किया। वे हमें कृपा करें, हम भी गुरु वैष्णवों की सेवा में अपने आप को निष्ठापूर्वक नियुक्त कर सकें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।